एक लंबे अंतराल के बाद हम लोग पुनः टॉपिक में प्रवेश करते हैं, क्योंकि आप लोगों ने हाफ ईयरली एग्जाम ओपन बुक सिस्टम के तहत दी है, इसीलिए बीच में गैप रखा गया था। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन में, जिसमें स्पष्ट हो चुका था कि जो विभिन्न क्षेत्रों में बदहाली है, गरीबी है, पिछड़ापन है, मतलब ऑल दोज कैंडिडेट्स हु आर नॉट एबल टू फुलफिल टू देयर मिनिमम रिक्वायरमेंट, देयर आर सम स्पेशल एडवांटेजेस व्हिच इज गिवन बाय द गवर्नमेंट, रिजर्वेशन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस सब्जेक्ट। Now today, question is कि only government or the single body, only single body is not entitled to implement any type of law. And the elected member of representatives or the government who are in ruling, they take decision what is beneficial for the general people of this country। तो इसमें वो जो 1990 13 अगस्त के दिन जो आदेश जारी किया गया था, उसको बाद में सर न्यायालय ने भी, बहुत विवाद हुआ था, विनम्रता आई थी, न्यायालय ने भी उस पर अंततः मोहर लगा दिया कि सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय वो सही था, किंतु सरकार को ऐसे समुदाय के लोगों को भी के बारे में कुछ प्रावधान रहना चाहिए, सोचना चाहिए, जो वास्तव में दोज ऑल दोज कम्युनिटी हु बिलोंग्स टू अपर कास्ट और जनरल कम्युनिटी एंड दे आर ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम दिस क्रूशियल स्टेज और डिजीज, जस्ट लाइक बेगरिंग एंड पॉवर्टी, दिस इज सो गवर्नमेंट शुड ऑल्सो टेक प्रोविजन ऑफ द एडवांटेजेस टू दैट कंसर्न पर्सन्स। ये क्लियर हो गया, किंतु सरकार या व्यक्ति विशेष अकेले कोई नियम कानून नहीं लागू कर देता, उसके लिए सरकार है। सरकार विभिन्न अपने सहयोगियों, कलेक्ट्स के माध्यम से जो रिप्रेजेंट करते हैं, जो प्रमुख होते हैं, जो प्रधान होते हैं, वो अपने मित्रों के साथ, अन्य सहयोगियों के साथ विचार करके तब निर्णय लेते हैं। तो है कि सबसे पहले का नियम जो बनाया जाता है, वो नियम किस प्रकार से बनाया जाता है, तो उसके लिए हम लोग जानना चाहिए सरकार के जो 3 अंग हैं, सरकार के यानी गवर्नमेंट के, एक है लेजिस्लेटिव असेंबली, दूसरा एग्जीक्यूटिव, तीसरा जुडिशियरी। तो ये लेजिस्लेचर को हम लोग भारत में पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग हिंदी में संसद कहते हैं, हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। तो संसद के 2 सदन होते हैं, ये अपर हाउस, हाउस ऑफ द अपर हाउस काउंसिल ऑफ द स्टेट एंड द लोअर हाउस, हाउस ऑफ द पीपुल, ये दोनों ही मिल करके नियम बनाते हैं। अब है कि इसमें इसके लिए जो मेंबर हैं निर्धारित, वो मैक्सिमम 250 तक की क्षमता है, मैक्सिमम 250 तक की क्षमता है, किंतु वर्तमान में 245 है, और जिसमें कि 230 जो है वह है विभिन्न स्टेट्स से रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, और 3 जो है यूनियन टेरिटोरी के अंतर्गत के खाते में आता है। सभी यूनियन टेरिटोरीज में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है, सभी यूनियन टेरिटोरीज में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है, इसमें दिल्ली ही एक ऐसा क्षेत्र है तथा पांडिचेरी, जहां पर ये 3 है, तो 230 और 3, 233 और 12, जो
ऑडियो प्रेसिडेंट द्वारा द्वारा नॉमिनेट होते हैं। तो याद रखेंगे ये नॉमिनेट वर्ड है, इलेक्ट वर्ड नहीं होना चाहिए यहां पर, क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है। यह भी ध्यान रखने की बात है, राष्ट्रपति किन्हें ऐसे मेंबर के रूप में नॉमिनेट करते हैं, वो जो कला के क्षेत्र में, जो संगीत के क्षेत्र में, जो साहित्य के क्षेत्र में, ऐसे क्षेत्रों में विशेष अभिरुचि रखने वाले होते हैं, समाज के क्षेत्र में। तो ऐसी स्थिति में स्थिति ये रहती है कि सरकार के द्वारा जो सिफारिश किए जाते हैं राष्ट्रपति उन्हें नॉमिनेट करते हैं। सामान्यतया ये कला संस्कृति साहित्य ऐसे क्षेत्र के जो विशेषज्ञ होते हैं, मर्मज्ञ होते हैं, ऐसे लोगों को ही नॉमिनेट करते हैं। अब एक इसके मेंबर का जो इलेक्शन होता है वह है इस विधि से रहता है कि याद रखेंगे इसमें एक आनुपातिक यानी प्रोपोर्शनल इलेक्शन सिस्टम से है, इलेक्ट्रल कॉलेज के माध्यम से होता है, जिसमें मौका मिलेगा तो डिटेल्स में हम बताएंगे। इसमें क्या है कि जनता डायरेक्टली उसको ऐसे मेंबर का चयन नहीं कर पाते हैं, चुनाव में ऐसा नहीं होता है, बल्कि जनता जिनको चुनकर भेजती है ऐसे रिप्रेजेंटेटिव ही ये अपर हाउस के मेंबर का चयन करते हैं, चुनाव करते हैं, और वह भी वो प्रेफरेंस के आधार पर। जैसे आप लोगों को जब हम प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में चर्चा किए होंगे, या हो सकता है कि फिर आगे मौका मिलेगा तो हम बताएंगे भी कि उसमें पसंदगी रहता है, हमारी पहली पसंदगी, दूसरी पसंदगी, तीसरी पसंदगी, इस प्रकार से उसमें प्रेफरेंस इंडिकेट किया जाता है, शो किया जाता है। तो उसको भी हम डिटेल्स में बताएंगे कैसे उसका वैल्यू निकाला जाता है, वोट वैल्यू कितना होता है। फिर एक मेंबर ऑफ जो अपर हाउस होता है उसको वोट मत हासिल करने के लिए उसके लिए क्या फॉर्मूला है, आपको याद रहना चाहिए ध्यान में कि माना कि किसी स्टेट में, इस एक बात और याद रखेंगे, इसके मेंबर 6 वर्ष के लिए होते हैं, चुने जाते हैं, किंतु ये जो है ये अपर हाउस जो है वो परमानेंट हाउस है, अस्थाई सदन है, ये नॉन परमानेंट हाउस है, 5 वर्ष के लिए ही केवल ये हाउस होता है, फिर 5 वर्ष के बाद फिर ये भंग हो जाता है, फिर चुनाव होता है, फिर गठन होता है। और कभी कभी तो स्थिति ऐसी बनती है कि सरकार जब अल्पमत पा जाती है किसी कारणवश, तो ऐसी स्थिति में बीच में कालखंड को पूरा किए हुए भंग कर दिया जाता है, किंतु ये भंग नहीं होता है, ये परमानेंट चलता रहता है। और इसके मेंबर जो होते हैं वो 6 वर्षों के लिए होते हैं एक टर्म का, उसके बाद भी दोबारा चुने जा सकते हैं, तिवारा भी चुने जा सकते हैं उसके अतिरिक्त भी। तो इसमें क्या होता है कि मेंबर का जो चुनाव किया जाता है, तो ध्यान रहे कि इसका चुनाव जो होता है वो विधान सभा के सदस्यों के द्वारा, यानी विधानसभा के सदस्य को कौन, जनता चुनती है। तो जन ऐसे रिप्रेजेंटेटिव जो एमएलए होते हैं, विधायक होते हैं, ये सब मिल करके इसके मेंबर का 230 मेंबर का चुनाव करते हैं, और इधर जो है 3 इधर इसका है 33, और 12 राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट होते हैं। तो इस प्रकार से चुनाव होता है। अब है कि इसमें क्या होता है कि 245 की इसकी अभी वर्तमान की संख्या, लेकिन इस स्थिति में संविधान में जो प्रावधान है इसके अंतर्गत मैक्सिमम की स्थिति 250 तक की ही बन सकती है। याद रखेंगे कि इसमें भी ये इसका निर्धारण कैसे हुआ, कैसे किया गया, तो इसका निर्धारण होता है क्या कि संविधान में जब संविधान निर्माण हुआ था तो ये संसद के ऊपर छोड़ दिया गया था, इसमें मेंबरों का की संख्या
को बढ़ाना घटाना इस पर संसद ही निर्णय ले, इस प्रकार की व्यवस्था बनाई गई थी। तो आज इसकी संख्या यही 245 की है वर्तमान में। और किस राज्य में कितनी संख्या होनी चाहिए इसके मेंबर की, यह निर्भर करता है उस राज्य का, बेसिकली उस राज्य की जनसंख्या कितनी है, राज्य की जनसंख्या के आधार पर ही इसका चुनाव होता है। बता देते हैं कि मान लीजिए कि कोई राज्य का नाम ले लीजिए, अभी अभी भी अभी चुनाव चल रहा है का समय है, यदि राज्यसभा के चुनाव सदस्य का जब चुनाव होता है, हम जानते हैं प्रत्येक दो वर्ष पर एक तिहाई सदस्य का क्या होता है, वो अवकाश प्राप्त करते हैं, तो एक तिहाई सदस्य उतने ही सदस्यों का फिर चुनाव किया जाता है। किसके द्वारा आता, प्रत्येक राज्य विधान मंडल के, राज्य विधान मंडल के यानी एमएलए वगैरह के द्वारा, एमएलए के द्वारा चुनाव होता है। याद रखेंगे जहां पर एमएलसी है यानी मेंबर ऑफ सेक्योरिटी काउंसिल, वो इसमें चुनाव में मतदान करने के लिए अधिकृत नहीं होते हैं, केवल एमएलए ही होते हैं, इलेक्टेड एमएलए होते हैं, तो उनके द्वारा चुनाव किया जाता है। उदाहरण के मान लीजिए कि एक हम राजस्थान का एक उदाहरण देते हैं, मान लीजिए कि राजस्थान में हमको तीन मेंबर का, तीन सीट खाली हुआ है, तीन मेंबर का, मेंबर ऑफ अपर हाउस का चयन करना है, तो इसका नियम है 3+1 कर देंगे, तो टोटल संख्या हो गई 4। और माना कि वहां पर मैं मेंबर ऑफ स्टेट से लेजिस्लेटिव, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव जो है असेंबली में, माना कि वहां पर 200 शायद इतना ही लगभग है, 200 मेंबर है, तो क्या होगा, तो 200 मेंबर में क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, बराबर कितना हो जाएगा 50 मेंबर। और फॉर्मूला के अनुसार, नियम के अनुसार इसमें 1+ कर दीजिए, बराबर कितना हुआ 51, यानी एक मेंबर को कम से कम यदि 51 एमएलए उसके पक्ष में वोट डालता है तो वो चुनाव जीत जाते हैं। तो इस प्रकार से अपर हाउस के मेंबर का चुनाव होता है। तो आज फिर आप, आज के बाद आप लोगों को अवकाश हो रहा है दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर, तो आगे फिर हम लोगों को मौका मिलेगा, इसको डिटेल्स हम लोग चर्चा करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही, दुर्गा पूजा की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं, धन्यवाद।